कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्रजलाल खाबरी साहब। राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और माल्यार्पण करने के लिए वो यहां पर पहुंचे थे। बात करते हैं सर, क्या संदेश है पुण्यतिथि के मौके पर जनता को? आज आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शहीद राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर ढेरों शुभकामनाएँ। और आज शहीद भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को देश याद कर रहा है। देश के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कानून ला करके दिए जिससे आज देश आगे बढ़ा। आधुनिक क्रांति के जनक उन्होंने पंचायत से लेकर के संसद तक जो लड़ाई लड़ी है उसे देश भुला नहीं सकता है। पंचायत राज एक्ट देकर के गरीबों को भी प्रधान बनने का मौका दिया। आज जो संचार क्रांति है उन्हीं की देन है। आज पूरा देश उन्हें देश का सफल प्रधानमंत्री के रूप में देखता रहा है। आज भी उनकी जो यादें हैं कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरा करने में पूरा समर्पण करके उनके द्वारा रह गए कार्य पूरा करने की कसम खाई है। कल कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनते ही उन्होंने जो उनके काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने की कसम लेते हुए कल से ही कर्नाटका में गरीब से लेके अमीर तक की हिफाजत की बात कही है। कांग्रेस का जो लक्ष्य है, जो राजीव जी का लक्ष्य था कि लास्ट के बैठे व्यक्ति को हम वो सुविधाएं दें जो देश का बड़ा रिच मैन उन सुविधाओं को भोग रहा है, ऐसी सोच के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शहीद राजीव गांधी जी थे। उनकी सोच को देश सलाम करता है। एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप लोग अभी यहाँ से जाने के बाद, सर्वधर्म संभव नाम से कुछ कार्यक्रम है जो कांग्रेस कार्यालय में होगा, वो संगीत का कार्यक्रम है या तो उसमें क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे? जो सर्वधर्म सम्मेलन कार्यक्रम है उसमें एक ही बात कही जाएगी कि देश को एक बनाए रखना है। सारे धर्म एक हैं, लोग उन्हें अलग अलग मानते हैं अलग बात है, लेकिन शहीद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जिस भारत के लिए वो शहीद हुए हैं वो भारत ऐसे ही देखना चाहते थे कि कहीं अलगाव ना हो, सभी धर्म समान हो, सभी लोग समान हो, ये उनकी एक सोच थी। उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। कर्नाटक में सरकार बना लिया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या खाका है क्योंकि यहाँ तो लगातार कमज़ोर हुए हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कमज़ोर हुए थे लेकिन अब हमने नगर निकाय के चुनाव में थोड़ी टानक ली है, वोट ऑफ रेशियो बढ़ा है, कई जगह हम सेकंड पोजीशन में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर मोहल्ले हर वार्ड में कांग्रेस का आदमी झंडा लेकर के मजबूती के साथ खड़ा रहा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा शुरुआत है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ब्रजलाल खाबरी साहब को, कांग्रेस के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि हम लोगों को जो है निकाय चुनाव में टॉनिक मिली है और हम 2024 की तैयारियों में जुटेंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।